आवाज वगैरह जा रहा है ना सब सही से। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सब लोग को। चलिए बाबू आगे समझाते हैं आप लोग को। कल हम तारामंडल और नक्षत्र के बारे में बताए थे, एस्ट्रोनॉमी का कुछ बताए थे। एस्ट्रोनॉमी दो जगह पे पढ़ना है आपको, एक बार सौर मंडल में जब ग्रहों के बारे में बताएंगे और एक यहाँ पर नक्षत्र के बारे में। देखिए ये तो आकाशगंगा जो होती है, आज हम आपको बिग बैंग थ्योरी वगैरह समझा देते हैं। ये देखिए ये आकाशगंगा, हमारी अपनी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, हमसे जो सबसे करीबी आकाशगंगा है उसका नाम देवयानी है, उसके बाद जो दूसरी सबसे करीबी है NGC 33 है। तीनों को मिला देते हैं तो सुपर क्लस्टर या क्लस्टर बन जाता है। केंद्रीय भाग को हम बल्ज कहते हैं। सूर्य जो है ना, सूर्य कहाँ पर? किनारे वाले भाग पर है। सूर्य इस किनारे वाले भाग पर है। सूर्य के समीप, सूर्य से दूरी पर जो तारों का समूह है इन्हें तारामंडल के नाम से जाना जाता है। ओरियन जो है हंटर की तरह दिखता है, ध्रुव तारा उत्तर की ओर दिखता है। इसमें जो करीब तारों के समूह है वो 27 तारों के समूह को नक्षत्र या क्लस्टर के नाम से जानते हैं। इतना तो समझ आ दिए थे आपको। अब बिग बैंग थ्योरी बताएंगे आगे, उसके बाद समझेंगे। कोई PDF का एक दो पेज क्लियर नहीं आया है, उसको हम देख लेंगे, उसको क्लियर करा देंगे। चलिए यहाँ देखिए, थोड़ा सा धुंधला आ गया होगा यहाँ। बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी, बैंग मतलब होता है ब्लास्ट। बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट का सिद्धांत क्या कहता है? यह एक सिद्धांत, इसे 15, ये बिग बैंग थ्योरी को दिया गया था जॉर्ज लेमेंतेरे द्वारा। जॉर्ज लेमेंतेरे ये बेल्जियम के एक ईसाई धर्म के पादरी थे। अब आप कल्पना कीजिए कि ईसाई धर्म का पादरी इतना बड़ा विद्वान है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो ये वो लोग होते हैं क्रिश्चियंस में, अगर आप देखेंगे अभी क्रिश्चियन के जो सबसे बड़े पादरी हैं पोप फ्रांसिस हैं, जो इटली के वेटिकन, इटली के पास एक देश है वेटिकन सिटी, वहां के वो ही सब कुछ है। वो केमिकल इंजीनियर से बीटेक किए हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ईसाई धर्म में आप पादरी हैं तो केवल पादरी वाली पढ़ाई पढ़ी, वो दुनिया की चीजें भी पढ़े रहते हैं, इसलिए वो बहुत आगे हैं। और हमारे यहाँ क्या है भैया, पंडित जी बनना है तो केवल श्लोक पढ़ लेते हैं लोग, मौलाना बनना है तो ये पढ़ लेते हैं अपने वहां पे। तो वो लोग बहुत विद्वान थे। तो वो पादरी थे बेल्जियम के, उन्होंने सिद्धांत दिया था जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत। इनके अनुसार आज से लगभग 15 मिलियन साल पहले, बहुत हो जाएगा 15 मिलियन, मतलब 1.5 करोड़ साल पहले, 15 मिलियन साल पहले एक बहुत ही बड़ा तारा था। क्या था? तारा था। और उसका जो डेंसिटी था वो बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा डेंसिटी थी। अब आप लोग को फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में ब्लैक होल के बारे में बताए थे, आपको बताए थे कि ब्लैक होल के एक चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के बराबर होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? एक चम्मच का भार कितने हाथियों के बराबर होता है? 10 10 हाथियों के वेट के बराबर होता है। समझ में आया? अब आप एक बात बताइए, अगर हम ब्लैक होल में से एक पहाड़ को बना दें, ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी का भार कितना था? 10 हाथी के बराबर, यानी इतनी मिट्टी लेंगे ना तो 10 एलिफेंट के बराबर होगा। एलिफेंट, 10 एलिफेंट के बराबर हो। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर हम ब्लैक होल की कोई मिट्टी एक कटोरा ले लेते हैं इतना, तो इससे जरा और खतरनाक हो जाएगा। अगर इससे हम एक घर बराबर ले लेते हैं मिट्टी तो और खतरनाक होगा। सोचिए इससे हम पहाड़ बराबर अगर इसका मिट्टी ले लेते हैं तो कितना भयानक होगा, और भी ज्यादा चीजें हो जाएंगी। ये ब्लैक होल कितना भयानक डेंसिटी होती है, इसकी घनत्व तो बहुत ही ज्यादा होता है। हम आपको बता भी दिए हैं कि घनत्व उसी का ज्यादा होता है जिसका ब्लैक होल बहुत बड़ा होता है। अब कल्पना कीजिए, इतना बड़ा तारा सिकुड़ के ब्लैक होल में जाता है, लास्ट में तारा, बड़े तारे ब्लैक होल बन जाते हैं, एकदम लास्ट में जाके ब्लैक होल बनते हैं। तो ब्लैक होल जो चीज है वो दिखने में भले छोटी होती है लेकिन उस का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। ये ब्लैक होल जितना बड़ा होगा उतना घातक हो सकता है। अगर ब्लैक होल का ये इतना छोटे ब्लैक होल का जो द्रव्यमान है वो 10 हाथियों के बराबर है, आपके ऊपर अगर छोटा सा ब्लैक होल इसे गिर गया तो आप कहाँ जाएंगे आपको पता ही नहीं, चीर के निकल जाएगा आपको वहां पर, इतना हैवी होता है ब्लैक होल। तो क्योंकि इसका घनत्व तो क्या था, बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा डेंसिटी है कि इससे प्रकाश भी टकरा के वापस नहीं जा सकता है ब्लैक होल से। तो इस ब्लैक होल जैसा एक, अगर कल्पना कीजिए एक ग्रह है,
कैसा है, ग्रह है, पृथ्वी बराबर कोई ग्रह है जो ब्लैक होल का बना हुआ है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उसमें कितना ज्यादा डेंसिटी होगा। उस ग्रह से आप पृथ्वी जैसे 100 ग्रह को बना सकते हैं तोड़ तोड़ के, क्योंकि वो क्या है, उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है। डेंसिटी क्या रहता है, ज्यादा रहता है। जैसे एल्यूमिनियम देखें, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की डेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो इतना छोटा एक एल्यूमिनियम का गोला लेता है इंसान, एल्युमिनियम का एक छोटा सा गोला लेता है और इसको मशीन में पीट पीट के, पीट पीट के, पीट पीट के क्या करता है, एक चादर बना देता है, एक इतना चौड़ा चादर बना देता है और पतला चादर। तो आप दुकान पे जाइएगा काजू बर्फी खरीदने ना, तो उसके ऊपर एक सटाया रहेगा चांदी का पेपर। लोग बोलते हैं चांदी का पेपर, भैया वो चांदी का नहीं रहता है, एल्यूमिनियम का रहता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मिठाइयों के ऊपर चांदी का परत चढ़ाते हैं वो किसका रहता है, तो वो एल्यूमिनियम का रहता है। तो क्या आप देखते हैं कि इतना छोटा सा एल्यूमिनियम को पीट पाट के कितना चौड़ा कर दिया, क्योंकि एल्यूमिनियम में डेंसिटी ज्यादा थी, एल्युमिनियम में डेंसिटी ज्यादा थी। वैसे ही जो था जॉर्ज लेमन तेरे ने बताया कि एक ऐसा तारा था जिसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा थी जितना ब्लैक होल का होता है, और उसका साइज भी बहुत बड़ा था, तारा के बराबर था। अब बताइए भाई, एक तो ससुरा का डेंसिटी ज्यादा है, उसके बाद वो तारा के बराबर है, तो उससे आप टूट, अगर आप उसे तोड़ेंगे तो उसमें से हजारों की संख्या में आप नए तारों को बना सकते हैं। नए तारों को आप क्या बना सकते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप बना सकते हैं। तो जॉर्ज लेमन तेरे ने कहा कि ऐसे ही एक बहुत ही ज्यादा घनत्व का तारा था, वो अचानक विस्फोट कर गया, और विस्फोट किया ना, तो उसी से जितने तारे बने हैं सब के सब उसी से बने हैं। दुनिया में जितने भी तारे बने हैं वो बड़े तारे के एक छोटे छोटे हिस्सा मात्र है। इसी को कहा गया बिग बैंग थ्योरी। आज से 15 मिलियन साल पहले हुई थी और वहीं से डेट का गणना, समय की गणना चालू हुई थी। तो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है, उन्हीं ब्लैक बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है, जॉर्ज लेमन तेरे को। जॉर्ज लेमन तेरे कहाँ के रहने वाले थे, तो बेल्जियम के रहने वाले थे जॉर्ज लेमन तेरे। इनके हिसाब से सारे तारों का निर्माण उन्हीं से हुआ है। अब ये तारों के समूह को हम लोग क्या कह देते हैं भैया, आकाशगंगा कह देते हैं। तारों के समूह को आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। अब ये आकाशगंगाओं के समूह को हम क्लस्टर कहते हैं। तीन आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। तो यहाँ पे सारे आकाशगंगा हैं सब। तो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से समझ में आ गया, ब्रह्मांड में क्या है, आकाशगंगा है। आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, क्लस्टर कहेंगे। अब आप यहां तो समझिए, अगर सपोज कीजिए कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, तो इसके अंदर क्या आएंगे, आकाशगंगा आएंगी, सॉरी क्लस्टर आएगा। क्लस्टर के अंदर क्या आएगा, आकाशगंगा आएगा। आकाशगंगा के अंदर तारामंडल, तारामंडल के अंदर नक्षत्र, और नक्षत्र के अंदर सौर मंडल आएगा। नक्षत्र के अंदर सौर मंडल आएंगे सब। यानी सबसे बड़ा चीज क्या हो गया भैया, ये सबसे बड़ा चीज ये ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड। उसके बाद क्या हो जाता है, ब्रह्मांड के नीचे अगर देखेंगे तो ब्रह्मांड से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाता है भैया, क्लस्टर, क्लस्टर। उसके नीचे आकाशगंगा, क्लस्टर के अंदर आते हैं आकाशगंगा, आकाश गंगा। तीन आकाशगंगा को मिलाएंगे तो क्या हो जाता है, क्लस्टर बनता है। आकाशगंगा में हमारी आकाशगंगा अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पर हमारी आकाशगंगा में सूरज के समीप अगर रहेगा तो नक्षत्र, थोड़ा दूर रहेगा तो तारामंडल। तो इसमें आते हैं क्या, तारामंडल, तारा मंडल। उसके अंदर क्या आएगा, नक्षत्र, नक्षत्र। उसके अंदर आपका सूर्य आ जाता है, सॉरी सूरज आ जाता है। यानी अब तक जितना चीज देख रहे हैं वो तारों का ही खेल है। तो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में आपको केवल दो चीजें मिलेंगी, दो तारों के बीच का खाली जगह या तो फिर तारे। दुनिया में यही, पूरे ब्रह्मांड में यही मिलेगा, एक स्टार है, एक ये स्टार है। तो आपको स्टार मिलेंगे, या तो वो स्टार बड़े होंगे या तो छोटे होंगे, और उनके बीच का खाली जगह होगा। खाली जगह को क्या कहा जाता है, स्पेस यानी अंतरिक्ष, स्पेस यानी अंतरिक्ष। तो ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है, तारा और स्पेस से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर किसी को इतना में दिक्कत नहीं है। जितने तारे मिलके बने हैं वो पहले क्या थे, एक ही में थे। विस्फोट करने के बाद वो क्या हो गए, बिखर चुके हैं। विस्फोट करने के बाद वो बिखर चुके हैं। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था आंसर, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, जॉर्ज लेमन तेरे ने। ये सब क्या चीज है भैया, आकाशगंगाएं हैं सर, ये सब आकाशगंगा है सर। आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, गैलेक्सी। गैलेक्सी किस चीज से मिलकर बनी होती है, तो तारों से मिलकर बनी होती है।
गैलेक्सी किस चीज से मिलकर बनी है? तो तारों से मिलकर बनी है। ये सारी की सारी गैलेक्सी हैं सब। एक ब्रह्मांड में लगभग कितनी गैलेक्सी हैं सब? 100 अरब गैलेक्सी हैं सब। जॉर्ज लेमन तेरे, वेरी गुड। चलिए याद रखिएगा, अब जरा कंसेप्ट से यहां समझिए। बाबू लोग अब बस 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 कमेंट ज्यादा नहीं, अब यहां से समझिए। तारों के ये सारा का सारा क्या है? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। इंग्लिश वाले लोग ध्यान से समझिएगा, जितने यूनिवर्स है उसमें सारा का सारा खेल केवल दो चीज का है, या तो इन तारों का है या तो इनके बीच के स्पेस का है, अंतरिक्ष का है, और तो कुछ नहीं ना है यहाँ पे। तारों के समूह को हम क्या कर देते हैं? आकाशगंगा। और आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर। इसी में आप तारामंडल आ जाता है, इसी में नक्षत्र आ जाते हैं। यानी सारा खेल तारा और किसका है भैया? तारा और स्पेस का। रात में आप बैठिएगा तो अंतरिक्ष में आसमान में देखेंगे, यानी केवल आपको या तो खाली जगह मिलेगा या तो तारे मिलेंगे। उन्हीं तारों के बीच में हम लोग हैं, एक हम लोग का ग्रह है। तो ग्रह तो कोई चीज नहीं है ब्रह्मांड के हिसाब से, वो बहुत छोटी चीज हो जाती है। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ने एक टेलीस्कोप बनाया था, और फिर एक टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा गया हब्बल नामक टेलीस्कोप से, और जिससे देखा गया ना, तो देखा ये गया कि जितने भी ये ब्रह्मांड के हिस्सा हैं, ये सब आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? दूर दूर जा रहे हैं। यानी पहले जो विस्फोट हुआ था, तो बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट के सिद्धांत किसी न किसी खिंचाव के वजह से हुआ था। जो तारा ब्लास्ट किया था, वो कोई ना कोई ऐसी शक्ति थी जो बाहर से उसे खींची और वो ब्लास्ट किया और छोटे छोटे तारों में बिखर गया। उन्हीं तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। लेकिन एडविन हब्बल ने बताया कि ये आकाशगंगा में भी क्या हो रहे हैं? ये आपस में दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। क्या आ रहे हैं? दूर जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे तारे क्या हो रहे हैं? दूर जा रहे हैं। जिस दिन इन्हें दूर भेजने वाली शक्ति खत्म हो जाएगी, यानी जब इन्हें खींचने वाली शक्ति खत्म हो जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर ये आपस में आके फिर जुड़ जाएंगे और फिर वो अपना जो मूल गोला था उसका निर्माण कर लेंगे। तो जो बिग बैंग था वो वापस जाके आपस में जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाने को कहते हैं क्रंच। तो जब जुड़ेगा तो उसे कहा जाएगा सुपर क्रंच का सिद्धांत, सुपर क्रंच सिद्धांत। उस क्वेश्चन आएगा आपसे कि बिग बैंग सिद्धांत का अंत कब होगा? तो बिग बैंग तो ब्लास्ट हुआ, जब वो सुपर क्रंच का रूप ले लेगा तो वापस आकर जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किसने बताया था कि पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है? देखिए, ब्रह्मांड के विस्फोट का सिद्धांत जॉर्ज लेमन तेरे ने दिया था, लेकिन एडविन हब्बल जो थे, एडविन हब्बल ने बताया था कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, और जिस दिन यह ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, धीरे 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 जब ये ब्रह्मांड के खिंचाव का बल खत्म होगा, तो फिर ये आपस में आकर जुड़ जाएंगे। उस जुड़ाव बल को कहेंगे सुपर क्रंच। क्या कहेंगे? क्रंच। एक चॉकलेट वोकलेट भी आता है कुछ क्रंच खाने वाला। सुपर क्रंच और बिग बैंग थ्योरी समझ में आ गया, दोनों एक दूसरे के उल्टा है सब। किसने बताया था कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है? तो एडविन हब्बल। एडविन हब्बल के नाम पर क्या छोड़ा गया है? रॉकेट छोड़ा गया है, चिड़ियाघर है, बंदरगाह है, कि दूरबीन है? तो एक दूरबीन है। ये दूरबीन जमीन पर है या अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया है सेटेलाइट के जैसे? तो अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया है सेटेलाइट के जैसे। किसके जैसे? सेटेलाइट के जैसे। अब आइए बाबूगा इस सिद्धांत पे देखते हैं भाई। बिग बैंग थ्योरी जल्दी समझे में नहीं आता है किसी को। लड़का कहता है कि सोच रहा एक तरवा से 10 गो तारा कैसे बन गया और वो बड़का बड़का। तो भाई साहब पहली बात समझिए, जो तरवा भड़का था ना ब्लैक, वो ससुरा ब्लैक होल था। मतलब ब्लैक होल की जैसे उसके में अंदर भी घनत्व तो था, तो बहुत ज्यादा घना था। वो ब्लास्ट किया ना तो कम घना वाला बहुत ज्यादा निकल के चला आया सब। जैसे बिग बैंग थ्योरी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। देखो भैया कैसे दें आपको एग्जाम्पल। आई बिग बैंग थ्योरी तुम बंद हो जाओ, वीडियो लास्ट में बताएंगे आपको। आकाश गंगा है सभी। देखिए बिग बैंग थ्योरी हम आपको अपनी भाषा में बता देते हैं। भैया लड्डू कहाँ है? हाँ आप में लड्डू देखे होंगे आप लोग खाने वाले। सीबीएसई वाला लड्डू को क्या बोलता है सब भाई? सीबीएसई वाला सब लड्डू को क्या बोलता है जल्दी बताओ भाई। लड्डू ही बोलता है सब। आज बढ़िया लड्डू मिलना रे भाई, चलो यही लड्डू दिखा। अब आपके दिमाग में धीरे धीरे आइडिया आ रहा होगा बिग बैंग थ्योरी कैसे था। देखिए बाबू,
इसमें से हम एक लड्डू की कल्पना करते हैं, एक लड्डू, एगो लड्डू, बड़का नहीं, खाली एगो लड्डू। ये एगो लड्डुआ को अगर आप फोड़ेंगे तो छोटा 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 दुनिया में बहुत ज्यादा बट जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बट जाएगा। तो यही बोल दिया था जॉर्ज लेमन तेरे कि एगो लड्डू ऐसा रहलो 15 मिलियन पहले ब्लास्ट होके छितरा गया, तो छोटका छोटका को तारा कहा गया, छोटका छोटका को क्या कहा गया? तारा कहा गया। समझ में आया? लड्डू जैसा हो गया। अब वापस लड्डुआ को सान देंगे एक के में, ऐसे ऐसे ले सान के वापस, नहीं देखते कब लड्डू घर में, देखिएगा आपका भी होगा तो घर ही लड्डू बनेगा। तो लड्डुआ को आपस में सान देंगे तो फिर से एगो लड्डू बन जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? सुपर क्रंच हो गया, सुपर क्रंच। ससुर एक रे बोलता है जॉर्ज लेमन तेरे बिग बैंग थ्योरी, सीधा बोलना ससुर, एगो लड्डू ऐसा था फूट के, फूट के होकर दाना बन गया वहां पे, तो दुनिया भर का सिद्धांत बोलता। समझ में आ गया? सीबीएसई वाला, सीबीएसई वाला लड्डू खाया है सब कभी? दिस इज हिंदी मीडियम मिठाई, सीबीएसई वाला दुकान, सीबीएसई वाला मोतीचूर का खाता है सब, अलगे प्राणी है सब, सब वो मंदाकिनी का नहीं है सब, सीबीएसई वाला वो देवयानी में का है सब, वहां पे देखो भाई सीबीएसई वाला बड़ी खुशी आता है सब हमारे। सीबीएसई वाला खाया है सबकी नहीं मिठाई? स्वीट बॉल, देखो सीबीएसई वालों को स्वीट बॉल बोल रहा है, स्वीट बॉल, तो रसगुल्ला को कौन सी बोलेगा? स्वीट लिक्विड बॉल। देखो भैया ये लड्डू है, ये क्या है? लड्डू। बिग बैंग थ्योरी हम आपको समझा देते हैं देसी भाषा में, ये है लड्डू, ये है लड्डू, ये लड्डू है यहाँ पे। अब जब ये लड्डू को फोड़ेंगे तो क्या होगा? बिग बैंग थ्योरी। तो लड्डू कुछ इस तरह से भी बिखर जाएगा, कुछ लड्डू के टुकड़े टुकड़े भी रहेंगे और कुछ छोटे छोटे दाने भी रह जाएंगे। ये लड्डू बिखर गया, लड्डू बिखर गया, ये लड्डू क्या हो गया? बिखर गया। ये लड्डू खत्म, लड्डू बिखर गया। जो लड्डुआ भड़कल है उसी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, भड़का हुआ लड्डू इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी। और ये सब तारे बिखर गए, जहां तारा ग्रुप में मिला, जहां जहां तारा ग्रुप में मिला इसको कह दिया गया गैलेक्सी, इसको कह दिया गया गैलेक्सी, इसे कह दिया गया गैलेक्सी। तो जहां जहां भड़का हुआ तारों में से, लड्डू में से, ग्रुप में एक के जगह सनाइल मिल गया था, जिस तरह मंदिर के पास देंगे ना प्रसादी ना लड्डुआ फोड़ के इतनी इतनी लड्डू दे देते हैं, लीजिए लीजिए लीजिए, प्रसाद प्रसाद की तरह होता है बात, उसको समझिए। तो ये हो गया। अब इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सुपर क्लस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुपर क्लस्टर बन जाएगा। ये सब तारे हैं सब, हम लोग का एगो हो जाएगा मंदाकिनी, एंड्रोमेडा, NGC 733, ऐसा और कुछ कुछ होगा सब, भाड़ में जाओ तुम लोग यहाँ पर। अब इसी में हो जाएगा तारामंडल, इसी में हो जाएगा आपका नक्षत्र, इसी में यही चीज हो जाएगा। तो क्या चीज दिख रहा है पूरे ब्रह्मांड में? क्या दिख रहा है? देयर इज नथिंग इन दिस यूनिवर्स, ओनली टू थिंग, स्टार्स एंड स्पेस। स्टार्स है या तो स्पेस है, इसी से क्या बन जाता है? ब्रह्मांड। हब्बल बोला कि ये और ही छितर आ रहा है, तो भैया कहीं लड्डू फोड़ के रख दीजिएगा तो आंधी उधी मारेगा तो और ही छितर आ जाएगा। और इसी को जब समेट दीजिएगा वापस, तो जैसे समेटिएगा वापस तो लड्डू वापस आ जाएगा, लड्डू आ गया वापस, ये बन गया सुपर क्रंच, सुपर क्रंच, सुपर क्रंच। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे भैया अब आगे कुछ बताएंगे, बिग बैंग थ्योरी बताओ भैया। बिग बैंग में लड़कवा सोचता है ना कि जन तारवाद हित चुकी तारा था, लड़का को बोलो तारा तो सोच लेता है रतिया में जो दिखता है। अरे भैया हमारा सूरज तारा है और पृथ्वी से ससुरा 109 गुना बड़ है, वो इतना बड़ा पृथ्वी है सूरज। देखिए ऐसे बनाते हैं, देखिए ये देखिए, ये है हमारा पृथ्वी सूर्य, ये हमारा सूर्य, और इसी के पास हम बना देते हैं पृथ्वी को। ये नीला वाला हमारे पृथ्वी है और ये सूर्य है, और सूर्य बहुत ही छोटा तारा है, सूर्य बहुत ही छोटा तारा है। अब ससुराई पृथ्वी पे जिनके दो बीघा जमीन हो जाता है, 10 बीघा, तो कहते हमारा 10 बीघा जमीन है, रे बकलोलवा, तो पृथ्वी इतने छोटे है, ये पृथ्वी है और ये तारा है। और जो बड़का तारवा था तो वो तो और भयंकर था। ये तारा जो है ना वो लड्डू का बुनिया है, सोचिए बड़का लड्डुआ कितना खतरनाक होगा भाई। बिग बैंग समझ गया लोग कि नहीं, ये बताओ भाई, यस नो का जवाब दीजिए। बिग बैंग देखो, ये वो कह रहा है कि सर नक्षत्र
नक्षत्र समझाने के लिए बोले थे। नक्षत्र भी समझा देंगे, ग्रह समझा देंगे तब, क्योंकि नक्षत्र समझाएंगे ना तो केवल राशि और नक्षत्र यहाँ समझा देंगे, फिर ग्रहवा पढ़ाने के लिए फिर आना पड़ेगा, इसलिए कहें कि पहले यही पढ़ा देते हैं। किसी को दिक्कत? नहीं समझे लोग? अरे इधर मोबाइल वाला कमेंट। यस यस यस, सब यस बोल रहे हैं, वेरी गुड। सीबीएसई वाला भी, जा जिले में तेरे भी तो सीबीएसई बोर्ड के थे। अरे पॉलिटी पढ़ाने वाला, आज पॉलिटी में वो नेट फ्लक्चुएट कर रहा था तो रिकॉर्डेड डाल दिए थे। जॉर्ज लेमन तेरे, अरे यार जॉर्ज लेमन तेरे, ये समझ में आ गया ना? या बिग बैंग थ्योरी समझ में आ गया? या हम बता रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो बिग बैंग थ्योरी में क्या सोचते थे? सूर्य एक तारा टूट के 10 को कैसे बना लेगा? हम ये सोचते थे कि मान लो हम आदमी हैं और हम हमारे में अगर विस्फोट होगा तो 10 को आदमी कहाँ से बन जाएगा? भाई वैसे नहीं ना। अगर आप हमको बम से उड़ा दीजिए, धाम से चिथड़ा उड़ा दीजिए हमारा, इति 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 चिथड़ा उड़ जाएगा ना? तो वही चिथड़ा उड़ गया, तो जो तारा था वो चिथड़ा उड़ गया, छोटा छोटा तारे बढ़ गए, सब बिग बैंग थ्योरी हो गया। वापस समेट देंगे तो सुपर क्रंच हो जाएगा, काम खत्म हो गया, सुपर क्रंच वगैरह वगैरह। तो यहाँ देखिए, एक ये फिगर याद रखेंगे और एक ऐसे आपके मेटेरियल में भी लिखेगा, सबसे पहले क्या हुआ था भैया? बिग बैंग, बिग बैंग महाविस्फोट का सिद्धांत। इससे क्या बने सब? बिग बैंग से क्या बन गया सब? ब्रह्मांड। क्या बना? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं। कितनी चीजें हैं भैया? दो चीजें, एक स्टार है, दूसरा स्पेस है, खाली जगह है, नहीं तो तारे हैं, स्पेस है। तारों का समूह से क्या मिल गया भैया? क्लस्टर। क्लस्टर, एक क्लस्टर में, क्लस्टर में क्या होते हैं भैया? आकाश गंगा, आकाश गंगा यानी गैलेक्सी, आकाश गंगा, गंगा ये सोचा 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए। आकाशगंगा के अंदर तारामंडल, तारामंडल, और तारामंडल के अंदर नक्षत्र, नक्षत्र के अंदर सौर मंडल, सौर मंडल, सौर मंडल के अंदर ग्रह, प्लैनेट, ग्रह आते हैं सब। समझ में गया कि नहीं? ऐसे ही इसको समेट दीजिएगा तो फिर वो बड़का लड्डूआ बन जाएगा, हरारा कैसे समेट दीजिए, बड़का लड्डू बन गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम कहाँ रहते हैं? ग्रह पे, कौन ग्रह पे, कोने गोला पे, पृथ्वी पर। वो किस में आता है? सौर मंडल में। सौर मंडल कहाँ पे आता है? नक्षत्र में। नक्षत्र के ऊपर तारामंडल, उसके ऊपर आकाश गंगा, किसके ऊपर? आकाश गंगा। उसके अंदर क्लस्टर, क्लस्टर के अंदर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को समेट देंगे तो सुपर हो जाए, कुंजी हो गया भाई, बिग बैंग थ्योरी हो गया। आपको बिग बैंग थ्योरी बता दिए, ब्रह्मांड में बताना कौन सी, इतना बड़का चीज विस्तारित हो रहा है, हबल ने बोला था। सुपर क्लस्टर, 3 तारों के समूह बता दिए, आकाश गंगा बता दिए, तारामंडल बता दिए, सब चीज बता दिए ना, तारामंडल, नक्षत्र बता दिए थे, एग्जाम वाला चीज बता दिए थे, ज्योतिष वाली चीजें जब ग्रह पढ़ाएंगे तब, क्योंकि उसमें शनि ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति, चंद्रमा, शनि, शुक्र, जिसका शुक्र ग्रह जल्दी रहता है बहुत ज्यादा, उससे लड़की फंस जाती है शुक्र ग्रह से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखिए, सौर मंडल अब पढ़ा देते हैं। अब क्या पढ़ा देते हैं? सौर मंडल, क्योंकि जब सौर मंडल पढ़ाएंगे तो ही आपको सब समझ में आएगा। लेट्स बिगिन टू स्टडी द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की जानकारी सबसे पहले कॉपरनिकस ने दिया था। सोलर सिस्टम की जानकारी किसने दिया था? कॉपरनिकस ने। क्या होता है सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या होता है बबुआ? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों को हम सौर मंडल के कहते हैं। ये सूरज हो गया ना, इसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं सर। एक बुध, बृहस्पति, दुगा दुगा घूमता है। देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका मरकरी, सीबीएसई वाला ध्यान देगा सब, ये मरकरी, उसके बाद वीनस, मरकरी के बाद वीनस। देखिए भैया, जिसका वीनस अच्छा है उसे लड़की फंस जाती है सब। उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद से लाल ग्रह मंगल, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, एको प्लूटो, ये तो फेंका गया, प्लूटो बाहर चला गया, यही ग्रह है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सौर मंडल। क्या कहते हैं? सौर मंडल। ससुरा बवाल हो गया यहीं पर, यहीं पर बवाल हो गया। बवाल क्या हुआ कि सबने बोला कि रे भैया ये तारा कैसे बना, तो ये तो हम समझ गए
कि एगो बड़का लड्डू था, छितरा गया छोट छोट, उहे छोटकन छोटकन को तारा कहते हैं, बड़का धोधड़ लड्डू था। हई सब कैसे बना सब? तारा तो आप भी समझ गए भैया, तारा समझने में कौन चीज आता है? तारा के बारे में तो सब कुछ बता दिए, तारा का आधार कार्ड बता दिए थे आपको कि तारा बना बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से। सोचो ग्रहवा कैसे बन गया, यहाँ बवाल हो गया। कहा कि तारों के समूह को तारा मंडल, तारा ये सब बना बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से। बिग बैंग थ्योरी को दिया था जॉर्ज लेमन तेरे, लेकिन ग्रहवा कैसे बन गया, ग्रह कैसे बन गया सब यहाँ पर? अब लो ग्रह का सौर मंडल कहाँ से आ गया? सूरज तो समझ में आता है कि ससुरा बिग बैंग थ्योरी से यो एगो बड़का लड्डू का टुकड़ा है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। अई कहाँ से आ गया सब? अब इसके लिए हुआ बवाल। अब अलग अलग नियम दिया गया, लेकिन एक ही नियम सफल है। पांच नियम दिया गया, एक ही नियम सफल है, डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी, दो तारा सिद्धांत, दो तारा सिद्धांत, लेकिन चार गो सिद्धांत असफल है। लेकिन हमारे यहाँ रेलवे एसएससी तो चार से नहीं पूछती है, लेकिन जब आप बीपीएससी या यूपीएससी में जाते हैं तो चारों सिद्धांत आप पूछ के चौपट कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो अब बताइए, अब हमें ये पढ़ना है कि तारे की उत्पत्ति कैसे हुई, कि या ये पढ़ना है कि ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई? अब आप बताइए, कमेंट करके बताइए, हमें प्लैनेट के उत्पत्ति को पढ़ना है या स्टार की उत्पत्ति को? आंसर, प्लेनेट की उत्पत्ति को या स्टार? हाँ अरे बना लो भैया, एगो चार गो इन्ने हो गए, एगो और बना लो, यूरेनस छूट गया, बना लो यार, अभी तो यूरेनस छूट गया क्या? इसी को बना देते हैं यूरेनस, इधर प्लूटो फेंक दो। किसके बारे में? प्लेनेट के बारे में। हाँ ले, वो बोलता है बोथ, दोनों सीबीएसई वाला है, बोथ। अरे बोथ बोका कहीं का, हम तारा के बारे में तो पढ़ाइए दिए रे बकलोलवा, तारा बना कैसे, मरा कैसे, रंग कैसा हो गया, कैसे कौन ची हुआ, बिग बैंग थ्योरी कौन ची था। अब वो बोलता है बोथ, बोथ था कहीं का। अरे तो अभी तो ग्रह पढ़ना रे भैया, डेली तारवे पढ़ाएंगे, बोथ बोथ बोलता है। कौन कौन बोलता है बोथ? प्लेनेट के बारे में भी पढ़ना है हमको, बोथ कैसे पढ़ेंगे हम? इनकी उत्पत्ति के बारे में, इनकी विशेषता के बारे में नहीं, विशेषता तो हम पढ़िए लेंगे, पैदा कैसे हुआ पहले ये समझते हैं। समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के अंदर आने वाले ग्रह कैसे बने, इसकी चर्चा करते हैं। यानी सौर मंडल के उत्पत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। समझ में आ गया? सीबीएसई वाला से इंग्लिश बोल दो, सीबीएसई वाला खुश हो जाता है कि सर जी हमरे गोला के। देखो भैया, सबसे पहले आया था एगो वैज्ञानिक जिसका नाम था कांट। क्या नाम था? कांट। और एगो वैज्ञानिक का नाम था जिसका नाम था लापलाक्स। कांट और लापलाक्स इन दोनों ने क्या कहा कि जो सूरज जितने ग्रह बने हैं सर, देखिए कांट और लापलाक्स ने क्या कहा था कि जितने ग्रह बने हैं ये इसी से टूटकर बने हैं। मतलब ये छोटा सब जॉर्ज लेमेंतेरे की थ्योरी को ही थोड़ा लीपापोती कर रहा था सर। जॉर्ज लेमेंतेरे ने कहा कि बड़का लड्डू टूटा छोट छोट छितरा गया, इस ससुरा वही में पॉलिश मार रहे हैं सर कि हई हो तो हमारे लिए बड़के लड्डू हई टूटल तो हई लोग बन गए लोग। रे भाई साहब, तो इसने सिद्धांत दिया। क्या दिया सिद्धांत? दिया कौन कौन सिद्धांत दिया भैया? तो एक जना सिद्धांत दिए थे जिनका नाम था कांट। क्या नाम था? कांट नाम था, कांट। इन्होंने गैसीय सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? गैसीय सिद्धांत, यानी सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, लेकिन वो फ्यूजन की क्रिया द्वारा प्लाज्मा हो जाते हैं। प्लाज्मा समझते हैं ना, लेई की तरह हो जाते हैं, लेई की तरह एकदम गैस की तरह उधियाते नहीं रहते हैं सर, लेई की तरह लेभड़ा जाते हैं सर, लिबिर लिबिर हो जाते हैं सर। तो कांट महोदय ने क्या कहा था कि जो सूर्य है, क्या है? सूर्य है, इस सूर्य से ही टूटकर, इस सूर्य से टूटकर इसके बाहरी भाग में लपट से टूटकर किसका निर्माण हो गया भैया? ग्रहों का निर्माण हो गया। इसी से टूट टाट के क्या बन गया सब? ग्रह बन गया सर। इससे टूट के क्या बन गया सब? ग्रह बन गया सर। यहाँ पर तो इन्होंने गैसीय सिद्धांत दिया कि इसका बाहरी सतह गैस और प्लाज्मा के समान है, जिस वजह से ये घूमा तो तनी सा छलक गया और वही ठंडा होके क्या बन गया? ग्रह बन गया। और यही ग्रह मिलकर सौर मंडल बना दिए सर। तो इनको कहा गया कांट का सिद्धांत जो गैसीय आधार पर है। इसके बाद आया लापलाक्स, लाप
लाप्लास। इसने सिद्धांत दिया नेबुला थ्योरी, निहारिका। नेबुला को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? निहारिका सिद्धांत। इसने कहा कि देख भैया, वो कांटवा झूठ बोल रहा है, इस सब चट्टा सब हवे में था, सभी सब ऐसा ना रद्द करके गया कि सब हम लोग को पढ़ाना पड़ता है और आप लोग को याद रखना पड़ता है। देखिए ये कह रहा है लाप्लाक्सवा कि देखिए कि सूरज जो था इसका बाहरी भाग ठंडा हो गया और अंदर वाला गर्मे रह गया। जिस तरह से आप चोखा बनाने के लिए भंटा भूजते हैं, भंटा समझते, भंटा क्या बोला जाता है, ब्रिंजर की बैगन, बैगन वगैरह भूजिएगा या आलू भूनिएगा आग में, तो आधा घंटा बाद बाहर का ठंडा हो जाता है, लेकिन अंगूरी कोचिएगा तो अंदर धधकल रहता है। तो ये कह रहा है लाप्लास कि बाहर का भाग ठंडा हो गया और अंदर वाला गर्म रह गया, जिस वजह से इसके घूमने के कारण इसका बाहर का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। बाहर का टुकड़ा टूटकर क्या हो गया? अलग हो गया। इसी सूर्य का एक टुकड़ा टूटकर क्या हो गया? अलग हो गया। इस सूर्य का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया और बाद में इसी टुकड़े में और छोटे छोटे टुकड़े बने, तो उससे बना ग्रह बन गए सब। उससे क्या हो गया? ग्रह बन गए सब। क्या बन गए सर? ग्रह बन गए सर। और यही ग्रह मिलके सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का निर्माण कर दिया सर, सौर मंडल का निर्माण कर दिया सर। देखिए दोनों बतिया एक के टाइप का कर रहे हैं, दोनों को आपको नहीं लग रहा है कि जॉर्ज लेमेंतेरे की थ्योरी को चुराने की कोशिश कर रहा है सर? आप बताइए, नहीं समझ रहा है सर? ये सब याद कैसे करेंगे? कैसे याद करेंगे? ये अजीब क्वेश्चन पूछता है भाई, ध्यान से समझो, याद हो जाएगा। अब कैसे समझाएंगे? बच्चा की तरह तो समझा रहे हैं बाबू आप लोग को, नहीं तो एक दो और टीचर का नेट पे सर्च मार लीजिएगा लोग, आप लोग को आराम से मिल जाएगा थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी समझाएगा, बाउंस कर जाएगा। हम तो आपको आपके भाषा में समझा रहे हैं बबुआ, लड्डू टूटा छितरा गया। अब किस तरह से समझा दे भाई, बोल। चाहे वो काम करना, डाटा केबल लगा हमरे में लगा, निकाल ले तो टॉप कॉपी मार ले, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा दिमाग ना करप्ट कर जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। हर एक हथियार है, करंट अफेयर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री टेक्नोलॉजी टोपोग्राफी जियोलॉजी सब ब्लास्ट कर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो हमारा वाला आईफोन है, आपका सैमसंग है, नहीं लेगा जल्दी। तो धीरे 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 लोड करिए, लोड हो जाएगा। कचड़ा भर ले ऐसा तो कहाँ से हो जाएगा? आपको नहीं लगता कि ये सब चुरा रहा है ऐसा? किसका सिद्धांत बताइए, किसका चुरा रहा है ऐसा? हाँ, एकदम एकदम चुरा रहा है सब। बाद में पता चला कि भाई साहब, जो इस ग्रहों को खखोर के इसको चेक किया गया कि इसमें क्या है, और बाद में सूरज को चेक किया गया कि इसमें क्या है, तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। जैसे मेरा हाथ यहां से मांस कहीं उखड़ के खेत में गिर जाए और कोई कहे कि खान सर का मांस है, खान सर का मांस है, तो अरे भैया वो मांस को डॉक्टर के पास भेजो, उसको चेक करो, और जो हमारा शरीर है इसमें चेक करो, मैच करेगा तब ना हमारा मांस है, नहीं तो कोई भैंस उसके गिरल होगा तो हमको का मतलब है, वो हमारा मांस थोड़े है। तो चेक किया गया कि इन ग्रहों को खखोर के देखा गया तो इनमें सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन है, आयरन है, अल्मोनियम है, जमीन से दुनिया भर का चीज निकलता है, और उसमें सुसरा हाइड्रोजन हीलियम है। कहा गया कि ए कंटवा तुम झूठ बोल रहा है, लपलक्सवा तुम झूठ बोल रहा है। इस सिद्धांत को नकार दिया गया और कहा गया कि इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया है कि जितने सौर मंडल के आठों ग्रह हैं, इनका निर्माण जो एक तारा से हुआ है, यानी मोनो स्टार थ्योरी जो इन्होंने दिया, एक तारा सिद्धांत यानी इसी तारे से ये आठों ग्रह बने हैं कांट के अनुसार, और लाप्लास के अनुसार भी एक ही तारा से आठों बने हैं, यानी एक तारा सिद्धांत काट दिया गया, मोनो स्टार थ्योरी डिमोलिस्ट। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मोनो स्टार थ्योरी कितने लोगों ने दिया था? दो लोगों ने। कांटवा कहा कि घुमरिया रहा था, उनमें से छलक के इसे पृथ्वी बन गया, इसे बुध बन गया, बृहस्पति बन गया, मरकरी, नेपच्यून, प्लूटो छितरा छितरा बन गया यहाँ पर। हाई लाप्लास्वा कहता है कि ना ना, वो ना ना, पहले एगो टूटा और फिर ही फूटा तब जाके बना। रे ससुरा ई कर कि पहले ही छितरा गया, ई कर पहले टूटा फिर फूटा, ई कहता ना पहले फूटा।
समझ में आ गया। लेकिन दोनों किस पर बात कर रहा था सर? दोनों ने कह रहा था सर कि इसकी उत्पत्ति एक ही तारा से हुई है, यानी सूरज से, यानी मोनो स्टार थ्योरी, एकल तारा सिद्धांत समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हुआ? क्योंकि सौर मंडल के कोई भी ग्रह का जो बनावट था, जो उसमें मटेरियल थे, वो सूर्य में नहीं मिला गया, इसलिए ये कभी नहीं कह सकते कि दोनों एक ही है। अंडरस्टैंड? यस नो? आगे बढ़िए। कचरा भर लिया दिमाग में, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। सच्चा समझा समझा के हम हाँप गए, कर रहा कि समझ में नहीं आ रहा है। हो गया, आप दो तारा सिद्धांत समझाएंगे, द्वि तारा सिद्धांत। किसी को प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछिए। अरे भैया क्वेश्चन पूछिए, किसी को प्रॉब्लम है तो। नहीं दिक्कत है? चलिए, सब लोग पूछ रहे हैं। यस नहीं, पीडीएफ में दिक्कत है भैया? इंग्लिश हिंदी हम दोनों बोलिए देते हैं यार, इंग्लिश हिंदी नहीं बोल देते हैं दोनों? चलो भैया, दो ही तारा सिद्धांत समझाते हैं। देखो यार, देखो इधर, बस 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 शांति से रहिए। दो ही तारा सिद्धांत कुछ नहीं था, पहले का वैज्ञानिक वह नकल कर रहा था सब। क्या कर रहा था सर? नकल कर रहा था सर। आप अगर देखिए भाई, आवाज जा रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ा गया, जा रहा है। नकल क्या कर रहा था सब? आप जरा ध्यान दीजिए ना, कांटवा अल्लाप्लक्सवा ये सोचा सब कि जैसे वो बिग बैंग थ्योरी भड़का के तारा बना दिए हैं, हम वो एकरा भड़का के ग्रह बना देंगे। लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। मैच नहीं कर पाया इससे ये, समझ में आ गया कि नहीं? मैच नहीं कर पाया इससे ये। तो एक वैज्ञानिक आया सब, जिसका नाम चेम्बरलिन और जीन्स था। ये दू गो सोचा सब ना, एक काम करते हैं। क्या करते हैं? एगो काम करते हैं, एगो तारा को रहने देते हैं और कह देंगे कि एगो दूसर तारा था जो इसमें से घींच के इसको तूर दिया। तो बस इसी सिद्धांतवा को थोड़ा सा नकल मार के दिया है सर डबल स्टार थ्योरी। कौन स्टार थ्योरी? ड्यूअल स्टार थ्योरी, द्वि तारा सिद्धांत। ड्यूअल स्टार थ्योरी, ड्यूअल स्टार, द्वि तारा, द्वि तारा सिद्धांत। इसने क्या कहा है सब? देखिए 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 कैसे चोट्टा सब चोरी कर रहा है सब। आप कहिएगा कि वैज्ञानिक है सब। ये क्या कह रहा है सब कि दो गो तारा था, एगो हिया था, पहले तारवा बना देते हैं। ये कौन बोल रहा है पता है? चेम्बरलिन। चेम्बरलिन वा क्या बोला देखिए? चेम नाम काला से लिख देते हैं सब, घटिया आदमी। चेम्बरलिन नहीं दिया रहता सर तो नहीं ना पढ़ाते, एक के बार पांचवा सिद्धांत पढ़ाते, पढ़ा के क्या करेंगे? यूपीएससी छोटा यही क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए, इसने कहा कि दू गो तारा था। चेम्बरलिन में क्या कहा कि दू गो तारा था। हई तरवा हे तरवा में इसे घींचा ना, इसे घींचा तो यही में से टूट के ग्रह निकल गया सर, और यही ग्रह बन गया सर सौर मंडल। तो लोगों ने कहा कि रे लोल कहीं का, हई एकरा से मैचे नहीं कर रहा है तो ये ग्रह कहां से बन जाएगा? और के बाद हई कहां गया? तो कहा कि प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कहा कि बकलोलवा कहीं गया तो प्रोक्सिमा सेंचुरी तो आज भी है, तू काहे नहीं घींच घींच के डेली दूगो ग्रह बना रहा है? तो इसका गलती हो गया, छोटा कहीं का चोरी करने निकला था, पकड़ा के खत्म हो गया। ये कहता है कि एगो तारा सूर्य था और एगो दूसर तारा था जो नेकरा को घींचा अतूर के ग्रह बना दिया और यही ग्रह कल आ गया, तो चेम्बरलिन का खत्म हो गया। भाई साहब एकरे जैसन एगो और था जीन्स, क्या नाम था उसका? जीन्स। ओकरो गलत हो गया। जीन्सवा क्या बोला? देखो जीन्स, जीन्सवा बोला कि एगो तारा था सूर्य। जीन्स क्या बोला समझिए? एक तारा था जीन्स, एक तारा था सूर्य और एक दूसरा तारा था यहां पर। ये भी डुअल स्टार दे रहा है सब, बकलोलवन को समझ में नहीं आ रहा। कहना था कि दू गो तारा था सब, और ये जो तारा था इसको घींचता था लेकिन धीरे धीरे उसके करीब जाता था, तो ऐसे घींच के इसे लंबा कर दिया।
तनी आगे गया तो और इसे घींच दिया, थोड़ा और गया तो थोड़ा और घींच दिया, थोड़ा और घींच दिया, मतलब जैसे जैसे यह करीब गया और हचाक हचाक खींचने लगा। तो इसी कारण जो ग्रह बने सब कुछ बड़े बन गए, कुछ छोटे बन गए, कोई मझीले आकार के बन गए, कुछ अलग आकार के बन गए। दोनों अपने में हाँक रहा है सब, दोनों चट्टा झूठा बोल रहा है सब। ई बोल रहा है कि हचाक से घींच दिया, कैसे किया, हचाक से घींच दिया तो ग्रह बन गया। ई कराएंगे तनी तनी घींचा, बड़का को घींचा तो बड़ ग्रह, छोटका को खींचा तो छोट ग्रह। फिर लोगों ने कहा कि रे चेम्बरलिनवा, रे जिन्सवा, हाई ग्रहवा ऐसे मैचे नहीं कर रहा है हमारे सूरज से, तो बना कहाँ से, तो गड़बड़ा गया। अगर ये चोटा सब तनिको सा पढ़ा रहता सब, तो देखिए खड़े नकल मारा है सब, देख बबुआ खड़े नकल मारा है सब। ई कंटवा बोला कि हई धाए से घींच के हेमे से फूट के ग्रह बन गया सब, फूट के ग्रह बन गया सब। लेकिन चेम्बरलिनवा कह रहा है कि ना फूटा नहीं, अपने से नहीं फूटा, हई घींच लिया। देखिए ये दोनों साफ नकल मारा है सब, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। हई चोट्टा कंटवा कहता है कि फूट गया, और ओकरे हई चेम्बरलिनवा कहता फूटा नहीं, हई घींच लिया और ग्रह बन गए सब। और देखिए लेपलक्सवा का नकल मारा है जिन्सवा, हई कर जिन्सवा कहता है कि एक के बार में नहीं फूटा, एक के बार में नहीं फूटा, तनी सा फूट के टुकड़ा हुआ फिर ओकरा से ग्रह बने सब। और ओकरे नकल मरले है एकरा, देखिए जिन्सवा को कहे कि ना एक के बार नहीं घींचा, ना धीरे धीरे घींचा, बड़का को घींचा तो बड़का ग्रह, छोटका को घींचा तो छोटका ग्रह। रे भैया ये चारों सिद्धांतवा गलत है, नकल मारा है सब। और याद करने में झमेला कौन चीज, चार गो नमो याद रखिए। कांटवा बोलता है कि सूर्य ना धाय दे फूट गया, सूर्य धाय दे फूट गया। और लपलक्सवा बोलता है धाय दे नहीं फूटा, पहले एगो छोट टुकड़ा में टूटा फिर में से बड़ा उससे ग्रह बने सब। एक रे अब इसमें क्या था, क्योंकि इन्होंने एक ही तारा की कल्पना किया था, इसलिए मोनो स्टार कहते हैं, इसमें दो तारा का कल्पना था, इसलिए डबल स्टार कहते हैं। समझ में कि नहीं, सब में खराबी यही कि भैया ये ग्रह इस वाले सूरज से मैचे नहीं करता था। नकल मारा है सब कि नहीं मारा है सब, बताइए जल्दी फटाफट बताएंगे। जल्दी बताइए भैया, भाई नहीं मारा है सब। हाँ यस यस, अब ये बताओ अगर हम यही बतिया यूट्यूब पे बोल देंगे तो यूट्यूब वो हमारा पे स्ट्राइक भेज देगा, कम्युनिटी गाइडलाइन भेजेगा, और कहेगा खान सर आप इन लोगों को बदनाम कर रहे हैं। रे भैया हम कभी भी बदनाम नहीं करते हैं, हम हकीकत बात बोलते हैं, जो ठोस भाषा है, जो गांव के लोग बोलते हैं। इन लोगों को गांव में रहते लोग तो चट्टा बोला जाता, नकलची बोला जाता इन सबों को। अमेरिका में सीबीएसई वाला इसको वैज्ञानिक बोलता है, सीबीएसई वाला यहाँ पे। कांट का ठीक सिद्धांत चुरा लिया था चेम्बरलिन, बस कांट ने कहा कि ये अपने से टूटला, चेम्बरलिनवा कहा कि हई तरवा घींच लिया, चोट्टा कहीं का यहाँ पे। बताइए तो इतना पढ़ाए आपको, कोनो काम का नहीं, सिद्धांत को नकार दिया गया, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कमीशन लेवल का एग्जाम यूपीएससी बीपीएससी पूछता है इसको। हाँ अब इतना समझ में, इतने में दिक्कत नहीं है, अब आगे पढ़ा देते हैं। कॉपी पेस्ट चोट्टा, हाँ दोनों बकलोल था। अरे बबुआ पीडीएफ का प्रॉब्लम हो, अबे खड़े खड़े नहीं ना सॉल्व होगा, देख लिए सॉल्व हो जाएगा। रॉन्ग थिंग, चलिए चट्टन को पढ़ाते पढ़ाते हम हाफ गए, अब आते हैं मेन चीज पे, इसमें आप पगला जाएंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ड्यूअल स्टार थ्योरी लिखा है ना, ड्यूअल स्टार थ्योरी। अब इसमें ड्यूअल नहीं, डबल स्टार, ड्यूअल का मतलब दोनों आपस में जुड़ल, लेकिन ये डबल स्टार थ्योरी है, हम आपको बता देते हैं डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी को मान्यता प्राप्त है, डबल स्टार थ्योरी को मान्यता प्राप्त है। आधा लड़का तो इसी में फेल हो जाता है, वो ड्यूअल और डबल में अंतर नहीं समझ में आता है, ड्यूअल वाला गलत है, डबल वाला सही है, ड्यूअल वाला गलत है, डबल वाला सही है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डबल को कहते हैं दो तारा सिद्धांत, और उसमें द्वि तारा सिद्धांत की क्या कहते हैं, अरे इंग्लिश एक हिंदी में क्या होगा कौन जानता है, दो तारा सिद्धांत, दो तारा सिद्धांत, और उसको कहते हैं द्वैध तारा, इसे दो तारा नहीं कहते हैं, इसे द्वैध कहते हैं, ड्यूअल द्वैध, द्वैध तारा, और इसे दो तारा कहते हैं।
देखिए, ई भी अगर हम आपको हकीकत में बोले ना, तो लिलीटन एक बहुत ही होशियार व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने कोई नया सिद्धांत नहीं दिया, बल्कि यह व्यक्ति इतना होशियार और ये महाचोट्टा था, इसने क्या किया, इसने आंसर नहीं दिया, बल्कि ये देखा कि लोग सवाल क्या पूछ रहे हैं, और उसी सवाल को इन्होंने आंसर पे चिपका दिया। समझ आ गया कि नहीं? कैसे समझिए, कैसे? ये तो ससुरा और बड़ा का डाकू था। ससुरा लिलीटनवा था, लिलीटन, लिलीटन, लिलीटन नहीं, लिलीटन। लिलीटन कहा कि ससुरा किस बात पर ये काट रहा है सब, तो ये सिद्धांत इसी बात पर कट रहा था कि जितने भी ग्रह हैं, ये ग्रह सूरज से मैच नहीं कर रहे हैं, यह ग्रह सूरज से मैच नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? इसी बात पे काट रहा था सारे लोग, क्या इसी बात पर, और दूसरा लोग इसी बात से काट रहे थे कि भाई ब्लास्ट करेगा तो थोड़ा दूर जाएगा ना, यहीं क्यों आके अटक गया। यहाँ पर मेन काटने का बात था कि ये ग्रह इस सूरज से मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसने इतना खतरनाक दिमाग लगाया कि कोई काटिए नहीं पाया। कैसे? देखिए, आप भी हंसेंगे, कहेंगे कि वाह सर वाह, क्या क्या चीज इस पढ़ा पढ़ा के लोग वैज्ञानिक बन जाते हैं। ये लिलीटन नामक चोट्टा क्या सिद्धांत दिया, लिलीटन, इसने कहा कि एक सूरज था, इसको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। एगो सूरज था, एगो दूसर तारा था, एगो तीसर तारा था, एगो तीसर तारा था, तीसरा तारा यहां पर, तीसरा तारा ये। इसने कहा कि आप उसको देखबे मत कीजिए, उससे कोई हुआ ही नहीं था, आप बस इन दोनों को देखिए। इसीलिए इसे कहते हैं दो तारा सिद्धांत, डबल स्टार थ्योरी। ई चोट्टा क्या कहा, इतना होशियार, बवाले खत्म कर दिया। ई कहता है कि हई वाला तरवा इस तरवा आपको घींच घींच के भड़का दिया, इसको घींच घींच के भड़का दिया, तो इसमें हो गया विस्फोट, इसमें हो गया विस्फोट, इसमें हो गया विस्फोट, और इसी विस्फोट से बन गए सब ग्रह। इस विस्फोट से क्या बन गए सब, अलग अलग ग्रह बन गए सब, क्या हो गए सब, ग्रह बन गए सब। और कई करोड़ साल पहले ये बन गया ब्लैक होल, क्या हो गया, ब्लैक होल। अब आप बताओ भैया, इसमें चोरी दिखती है कि नहीं? साला सबूते मिटा दिया कि ये भड़क गया, भड़क गया, कहता है कि भड़क के खत्म हो गया। अरे भैया खत्म हो गया तो मिलाएगा कौन चीज से, और हेकरा को कहता है कि ब्लैक होल हो गया, ब्लैक होल के पास कोई चीज जइबे नहीं करेगा, खींच लेगा वो आप। और सूरज से कहा इससे कोई मतलब ही नहीं, तेरे भैया इससे तो मैचे नहीं करेगा, जिससे टूटा है वो गायबे हो गया, ये ब्लैक होल बन गया। तो लिलीटन का डबल स्टार थ्योरी सक्सेस है, सब चट्टा झूठ बोल रहा है, सब बता रहा है, सब कॉपी पेस्ट मारा है सब। अब आप बताओ भाई साहब, इसको क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा थ्योरी यही है, ना सबूत है ना, सारा सबूत गवाह मरवा दो, जज साहब कुछ नहीं करेंगे। आप बताइए ना, ग्रह किससे बने हैं, वही तरवा जो विस्फोट कर गया, अब वो ये नहीं है, कहां से सबूत लाएंगे, और जो ने इसको भड़काने में मदद किया था वो मर के ब्लैक होल बन गया। मर के क्या हो गया, ब्लैक होल। ये सूरज चुपचाप चमक रहा है। आप देखिए, ये सब क्या गलती किया था सब, ये सब गलती क्या किया था सब, ये गलती ये किया था सब कि ग्रहवा कह दिया था इसी से टूट के बना हुआ है, तो लोग सबूत गवाह मिला देते थे, ये मिलाने वाला छोड़बे नहीं किया। समझ में आ रहा है? टाइम कितना हो गया जी, खत्म हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो गया? अरे जी कौन क्या लिखते हैं इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो पूछिए फटाफट। सर ज्योतिष बोला था कि तुमको सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो क्या होगा? उसी ज्योतिषवा से पूछिएगा कि तुमको कोरोना का पता नहीं था, उसी से पूछिएगा कि तुमको कोरोना होगा कि नहीं होगा, और अगर कहेगा नहीं होगा तो उसको एम्स में कोरोना वार्ड में फेंक दीजिएगा, कहिएगा कि तुम तो ज्योतिष है, तुमने तो बोला है तुम्हें कोरोना नहीं होगा। उसी को बोलिए ना कि कब इसका मेडिसिन आएगा, कब वैक्सीन आएगा, कोरोना खत्म कब होगा। चाचा उसको बोल दिया सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो हमके बोल रहा था हमें सरकारी नौकरी होगा कि नहीं हमको।
कोनो ज्योतिष बोले ना सरकारी नौकरी होगा कि नहीं, ससुरा भाग जाएगा। अगर उसको नहीं पता है ना कि हम खान सर हैं, अगर हमको नहीं जानता है तो बोल देगा कि तुम्हारा सरकारी नौकरी नहीं होगा। जान जाएगा तो सीधे बोलेगा हो जाएगा इसका। हमारा कोनो ज्योतिष बोले ना कि सरकारी नौकरी नहीं, हम ओकरे से पूछेंगे बोल कौन एग्जाम में बैठना है बकलून का। हाँ मैथोथ वाले एग्जाम में मत भेज दीजिएगा, जिसमें जीएस पूछता है तो उसमें तो हम ओकरे कहेंगे तो बैठ हम तोरा बताते हैं। बात करता है कर बुलंद खुद ही को इतना कि खुदा भी जमीन पर आके पूछे कि बता तू बनना क्या चाहता है। समझ में ज्योतिष लोग यहाँ सब ज्योतिष वगैरह क्या होता है सब देखिए, पहले जो जीन्स था, जो चेम्बरलिन था, लपलाक्स था, कांट था, ये यही सब आगे जाके ज्योतिष बन गया सब। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सिद्धांत पढ़ता है सिया में बार। अभी कौन सा सिद्धांत सक्सेस है भैया? डबल स्टार थ्योरी सक्सेस है, आपके मटेरियल में लिखा हुआ है। जितनी चीजों को हम चिल्ला चिल्ला समझाए उसमें लिखा हुआ है, ए टू जेड चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। मोनो स्टार थ्योरी गलत है, इसमें एक के तारा से तोड़ दिया लेकिन ग्रह और सूरज मैच नहीं कर पाए। ड्यूअल स्टार में क्या हुआ, तरवा को दूसर का तरवा से घींच के तोड़वाया लेकिन फिर मैच नहीं कर पाया, इससे जुड़ा आया तो सब उतें मिटा दिया, काम खत्म, अब कोई बातें नहीं होता। सही है या गलत चुपचाप मान लीजिए, किसी को कोई दिक्कत? सौर मंडल बन गया। सौर मंडल किस सिद्धांत से बना है? डबल स्टार थ्योरी। और तारे किससे बने हैं? बिग बैंग थ्योरी। हमने आपको दोनों थ्योरी समझा दिया, अब हम आपको कल के क्लास में क्या समझाएंगे सौर मंडल के बारे में। अरे सौर मंडल कहाँ गायब हो गया, यहाँ छोटा हो गया ये तो। कल हम अब आपको इस सौर मंडल के बारे में बताएंगे।